दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम दिनांक 2/9/2021 2 सितंबर 2021 को जो VC होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या एजेंडे हैं, जिसके जो एजेंडे हैं उस पर हम चर्चा कर लें जिससे हम अपनी ग्राम पंचायत की तैयारी कर रखें पूरी एक एक पॉइंट पर। तो दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव द्वारा साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस VC दिनांक 2/9/2021 हेतु एजेंडा समय पूर्वान 10:30 बजे से। पहला है दोस्तों मीडिया सेल से संबंधित, तो पूर्वान 10:30 से 10:45 बजे तक होगी। प्रचार प्रसार हेतु उपयुक्त स्थान की जानकारी भेजने की स्थिति, जो मैंने आपको कल वीडियो बनाकर डाला भी है दोस्तों, उसके पत्रक भी डाले हैं किस तरह से हमें पत्रक में जानकारी देना है प्रचार प्रसार हेतु। गवर्नमेंट स्थान जितने भी हैं ग्राम पंचायत में, तो उसकी जानकारी देना, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पत्रक भी डाला है, आप पत्रक भी डाउनलोड कर जानकारी दे सकते हैं। तो प्रचार प्रसार हेतु उपयुक्त स्थान की जानकारी भेजने की स्थिति, पत्र क्रमांक जो ये मैंने कल दिखाया था 25/8/2021 में दिए गए निर्देशानुसार। फिर है बाढ़ राहत कार्य अंतर्गत मानवीय पहलुओं से संबंधित सफलता की कहानियां, बाढ़ राहत कार्य अंतर्गत मानवीय पहलुओं से संबंधित सफलता की कहानियां। बाढ़ राहत कार्य में जितने भी अच्छे कई लोगों ने जो अच्छे कार्य किए हैं, लोगों को बचाया है, मानवीय कार्य किए हैं, उनसे उनकी सफलता की कहानियां भी से संबंधित होगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पे होगा दोस्तों पूर्वान 10:45 से अपराह्न 11:15 बजे तक। तृतीय किस्त प्राप्त अपूर्ण आवासों पर चर्चा होगी एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से चर्चा होगी, ठीक है, इस पर कि कितने आवास पूर्ण हो गए हैं और सभी पर PWL क्लीनिंग, मतलब जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है उसकी क्लीनिंग पर, कि जितने भी जो प्रतीक्षा सूची में नाम थे सभी को आवास स्वीकृत हो गए हैं या नहीं, तो उस पर PWL क्लीनिंग पर भी चर्चा होगी, ठीक है। पंचायत राज संचालन संबंधित होगी 11:15 से 11:45 बजे तक। DPDP मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान एवं ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, DPDP जिला पंचायत वाली और जनपद पंचायत वाली जो GPDP है, तो उस पर होगी कि 2021-22 को अपलोड की है या नहीं को अपलोड करना। NPS की समीक्षा होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी आदेश में दिखाया था कि सभी पंचायत सचिव बंधुओं की NPS के अंतर्गत अंशदायी पेंशन की स्वीकृति होना है। कुछ जिलों में हो चुकी है, कुछ जिलों में चल रहा है काम, कुछ जिलों में होना बाकी है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बकाया विद्युत देयकों के भुगतान की समीक्षा होगी। भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृति और निर्माण की समीक्षा होगी, जहां ग्राम पंचायत भवन नहीं है उसमें पंचायत भवन की DSS हुई है या नहीं और हो गई तो निर्माण कितना हुआ है उसकी समीक्षा होगी। करा रोपण ऑनलाइन की समीक्षा होगी, जो हम पंचायत अर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कर का जो रोपण करते हैं टैक्स प्रबंधन, उस पर चर्चा होगी। आप मेरा वीडियो देख के दोस्तों कर सकते हैं, पंचायत अर्पण पोर्टल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन हमें करा रोपण करना है। महात्मा गांधी मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा अपराह्न 11:45 से 12:30 बजे तक। पुराने तालाब स्टाफ डैम चेक डैम से जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण पर चर्चा होगी। लेबर इंगेजमेंट पर चर्चा होगी, कितने लेबर लगा के रखें हर ग्राम पंचायत ने, उस पर अधिक से अधिक लेबर का जो कहा जाता है उस पर। CTR कार्यों की प्रगति, कैच द रेन जो हमने कैच द रेन के अंतर्गत जो कार्य लिए हैं उस पर कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना प्रोग्रेस हुई है, प्रगति उस पर होगी। जल शक्ति केंद्र की स्थापना व सर्वे पर चर्चा, जल शक्ति केंद्र की स्थापना सर्वे चर्चा होगी। NMMS, ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिस पर मैंने वीडियो बनाकर डाला भी है दोस्तों, इस पर समीक्षा होगी, क्योंकि अब ये पहले हर राज्य में ये लागू हो चुका है, लगभग कई राज्यों में लागू हो चुका है, कई में चल रही है प्रोसेस और कई में होना भी बाकी है, तो ऐसा मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुका है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको डाला है और भी इस पर दोस्तों मैं वीडियो बनाकर धीरे डालते रहूँगा जिससे कि आपको आगे आसानी होते रहे। एरिया ऑफिसर ऐप जो रहेगी उस पर भी चर्चा होगी। महिला मेट का नियोजन सहभागिता में भुगतान पर चर्चा होगी, जैसे हमसे कहा गया था कि एक एक महिला मेट जरूर ग्राम पंचायत में होना ही चाहिए, तो उस पर उसका नियोजन किया है, सहभागिता में भुगतान पर चर्चा होगी। इसके बाद दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अपराह्न 12:30 से 1 बजे तक। MIS में एवं PFMS अनुसार हुए वित्तीय प्रगति की समीक्षा, MIS में एवं PFMS पोर्टल पर जो अनुसार हुए वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाएगी स्वच्छ भारत में समय SBM ग्रामीण के तहत। IHHL CSC की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जो IHHL जो रहते हैं वो जो इंडिविजुअल टॉयलेट बना रहे हैं लोग उनकी समीक्षा, और CSC जो कम्युनिटी टॉयलेट बने हैं उसकी प्रगति प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। ODF प्लस गांव अंतर्गत प्रगति की समीक्षा, जो ODF के बाद मैंने आपको वीडियो बनाकर डाला भी कि ODF प्लस अब अभियान चल रहा है उसमें गाँव प्रत्येक गाँव अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमृत महोत्सव जो बन रहा है 75 वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में, तो उसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।
इसके दोस्तों है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अपराह्न 1 से 1:15 बजे तक वाटरशेड परियोजनाओं के समेकन में की कार्रवाई एवं पूर्णता दस्तावेज तैयार किए जाने की समीक्षा की जाएगी। ईओएल सर्वे पर चर्चा अपराह्न 1:15 से 1:30 बजे तक। ईओएल लगभग सभी जिलों में हो चुका है सर्वे, ईज ऑफ लिविंग का सर्वे कुछ कुछ जिलों में बाकी है। तो ये जिला लिखा है जिला शहडोल, रीवा, बालाघाट एवं धार, तो यहाँ समीक्षा होगी। सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, ऑडिट, सोशल ऑडिट अपराह्न 1:30 बजे से। तो वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण उपरांत दुरुपयोग वाली राशि की लंबित वसूली, वीएसए, वीएसए का चिन्हांकन, प्रशिक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति की समीक्षा। जो वीएसए की नियुक्ति की जाती है उनका चिन्हांकन किया जा चुका है कि नहीं, उनका प्रशिक्षण हुआ कि नहीं, और सामाजिक अंकेक्षण के लिए उनको तैयार किया जा चुका है कि नहीं सोशल ऑडिट पर, तो उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो इतने दोस्तों पॉइंट है मेन, तो इसके अनुसार आप तैयारी करके रख लें, क्योंकि आपसे जैसे ही पूछा जाए तो आप पूरा बता सके आपके जनपद में, आपके जिले में, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको हर जानकारी से अवगत कराते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मैं प्रत्येक नए वीडियो, प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।